Hello, welcome back to my channel. Joining again, thank you so much. आज जो मैं आपको बताने लगी हूँ वीडियो वो है बायोमेट्रिक्स के बारे में. तो बायोमेट्रिक्स के बारे में हम कनाडा की वेबसाइट पर आ चुके हैं. आप यहाँ से देख सकते हो कनाडा की वेबसाइट ये चीज़ है और ये आप सर्च भी यहाँ कुछ भी कर सकते हैं. जो जो आपके मन में क्वेश्चंस होते हैं इमिग्रेशन एंड सिटीजनशिप्स काफ़ी बायोमेट्रिक्स. अब बायोमेट्रिक्स करके तो आएगा नहीं, अब इसे हम वर्क परमिट के नाम से करते हैं. आप देखो वर्क वीज़ा, वर्क परमिट, और इसे हमने क्लिक कर दिया. अब क्लिक करने के बाद सर्च आर सी आई आर सी सी जो कनाडा का वकील है. अब इसमें लिखा है एजेंस्ट या बायोमेट्रिक्स के बारे में. अब अपने बायोमेट्रिक्स के बारे में हमें लेना है. अगर हमें यहाँ समझ नहीं आ रहा तो हमने वर्क वीज़ा के नाम पर सर्च करना है. कोई वीज़ा, स्टडी वीज़ा, वर्क अगर आपने टूरिस्ट वीज़ा पर भी जा रहे हो तो बायोमेट्रिक्स कंपल्सरी होगी. यहाँ आ गया, ये आ गया बायोमेट्रिक्स. फैक्ट ऑफ बायोमेट्रिक्स के बारे में क्या क्या चीज़ है ये आपको पता होना चाहिए. ये आप ध्यान से देखिए कब से स्टार्ट हुआ है बायोमेट्रिक्स. बायोमेट्रिक्स ये आ गए हम बायोमेट्रिक्स पर. स्टार्टिंग ऑफ समर सीजन 2018 यू अप्लाइंग द वीज़ा ऑफ विजिटर वीज़ा. अगर आप विजिटर वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, स्टडी वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, वर्क वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, एक्सपेक्ट यूएस नेशन और तो परमानेंट रेजिडेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यू विल नीड टू गिव वन योर फिंगरप्रिंट्स एंड फ़ोटो. आपको अपनी फिंगरप्रिंट्स एंड फ़ोटोज देनी पड़ेंगी अगर आपने कनाडा में आना है. तो ये इट इज़ फैसिलिटीज टू कनाडा ट्रैवल एंड फॉर विजिटर वीज़ा एंड स्टडी एंड वर्क परमिट विल बी नीड टू गिव इन बायोमेट्रिक्स वंस एवरी 10 ईयर. ये बार बार आपको जैसे जो एक विजिटर वीज़ा है, स्टडी वीज़ा वाला है, वर्क परमिट वाला हैगा, उसको ज़रूरत पड़ेगी 10-10 साल बाद देने के लिए. ये उनको है कि ये आप ही हो, कोई और तो नहीं है अप्लाई करने वाला. अब जैसे ये देखिए हाउ विल फिंगरप्रिंट्स, कैसे फिंगरप्रिंट्स और आपकी फोटोस आएंगी. फैक्ट आप अब हम ये आपके पास हाउ विल फिंगरप्रिंट्स वेयर यू गेट फिंगरप्रिंट्स. आपने ये फिंगरप्रिंट्स और अपनी फोटोज़ कहाँ देखे आनी है. VAC सेंटर वर्ल्ड वाइड, वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर या एप्लीकेशन स्पोर्ट्स सेंटर इन यूनाइटेड स्टेट. टेम्प्रेरी लोकेशन, देखो एशिया के लिए देखो वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर में देखे आनी है आपने. और ये लोकल लैंग्वेज बोल सकते हैं वो बंदे जिससे इसके हैं और इनमें जगहों के नाम दिए हुए हैं कौन सी आबू धाबी में कहाँ है, अहमदाबाद में, देखो इंडिया में भी है. बाय अपॉइंटमेंट लेके आपने जाना है. अपॉइंटमेंट बाय वॉक्स, ये आप ध्यान से देखिए वेबसाइट भी दी हुई है इवन उन्होंने भी. और अहमदाबाद में भी है, ये सऊदी में भी है, यूनाइटेड में है, कनाडा में है ये ऑफिस. ये कम से कम आप यहाँ जाएंगे, ये आप डालिए. हम दूसरा पेज उठ के आ रहा है वीज़ा. ये सिंपल सा है, वो मैंने आप एक वीडियो में बनाया ही है. हम कम बैक करते हैं और
ये देख सकते हो। जब भी आप कनाडा में एंट्री करोगे, एक विजिटर स्टूडेंट वीज़ा वर्क परमिट, आपको अपनी बायोमेट्रिक पहले देनी पड़ेगी। अब इसमें आप आते हैं एंट्री रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए। ये आप जब एंट्री कर रहे हो, आपको बेसिक रिक्वायरमेंट आपकी की होनी चाहिए। टू विजिट टू कनाडा You will need some basic requirements such have a valid travel document such as passport, be a good health, have a no crime, an immigration relative conveyance, and have a immigration officer that you have a type such as job, home, friends, income assessment, family that will check your background into home, come back to your home country, or a conveyance a immigration office that you will be leave the Canada at the end of the visiting. You have enough of money you have stay. The amount of money will we need have a depend of on things such as long will be stay, whether you will stay in hotel with your friend or relative. अब ये क्या है इसमें बेसिक रिक्वायरमेंट, आपके पास वैलिडेट डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जो आपका पासपोर्ट होना चाहिए, आपकी अच्छी हेल्थ होनी चाहिए, तीसरा है कि आपके पास कोई क्राइम नहीं होना चाहिए, और इमिग्रेशन रिलेटिव आप कन्वेंस कर सके, आपके पास अपनी कोई जॉब होनी चाहिए, फाइनेंस इनकम या कोई ऐसा चीज़ होनी चाहिए कि आप अपनी कंट्री बैक कर सके, आपके पास कन्वेंस इमिग्रेशन को कर सके डैट आई विल बी लीव टू कनाडा, मैं कनाडा छोड़ जाऊंगा एंड ऑफ विजिट, आई हैव इनफ ऑफ मनी यानी कि मेरे पास काफ़ी पैसा है जो मैं कनाडा में स्टे कर सकता हूँ, अमाउंट विल बी नीड, अब जैसे वहाँ कुछ भी खर्चा करना पड़ जाए तो मैं कर सकता हूँ। तो इसमें तो ये सॉरी फॉर डिपेंड ऑन थिंग्स सच स्टे इनकम्प्लीट। अब इन एडमिशन वाले सच पीपल क्या होते हैं, दे आर नॉट टू कम अलाउड बिकॉज दे हैव इन्वॉल्वमेंट इन क्राइम, वो इन्वॉल्वमेंट होते क्राइम, ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट होते हैं, सिक्योरिटी नहीं होती, उनकी हेल्थ ठीक नहीं होती, फाइनेंस उनके पास फाइनेंस नहीं होता, और वो सोचते हैं कि हमें कनाडा आराम से ले लेना, ऐसे नहीं है। एंट्रिंग ऑफ विजिटर स्टडी वर्क परमिट वाले की लिमिटेड वीज़ा ऑफिसर को कन्वे करना होता है, विल बी उससे ज़्यादा रहने वाला हो, उससे कम रहने वाला हो, तो ये आपका पर्पस होना चाहिए, कवरिंग लेटर होना चाहिए, प्लान ऑफ आपके पास होना चाहिए कि आप क्या करोगे कनाडा में आके लैंडिंग के बाद। ये हम जस्ट मैं ये कैमरा पकड़ती हूँ और आपको बायोमेट्रिक्स एक होल्ड इट फैक्टर अब ये किसके लिए इफेक्ट पड़ते हैं बायोमेट्रिक्स, हु विल नीड टू गिवन फिंगरप्रिंट्स, हु विल वी नीड टू गिवन फिंगरप्रिंट्स एंड फोटोज। जनरली यू हैव नीड ए फिंगरप्रिंट्स विजिटर वर्क परमिट स्टडी परमानेंट रिफ्यूजी असामा जो भी हैं वहाँ पर दे सकते हैं फिंगरप्रिंट्स अपने। आपको अब मैं वीडियो एम्बेसी की वेबसाइट है, आप भी चेक कर सकते हैं, इन्होंने खुद लिखा है ये लिए, यहाँ से मैं आपको वीडियो लेके जाती हूँ जो एम्बेसी ने ही करा।
Canada is joining many countries around the world by using biometrics in an effort to help make travel easier while keeping Canada safe. Each year, Canada welcomes millions of visitors and accepts hundreds of thousands of students, workers, and permanent residents. Canada has been shaped by generations of immigrants. Canadians welcome newcomers. We believe that diversity makes us stronger, and we value the contribution of every individual and community across our country. Immigration continues to play a key role in contributing to Canada's well-being, to our economic prosperity, and to our success as a nation. Biometrics are the measurement of unique physical characteristics such as fingerprints and facial features. We use them to establish and confirm that you are who you say you are. If you plan to travel to Canada and need a visa, study or work permit, or if you apply to be a permanent resident, you need to give your biometrics. This helps immigration and border officials prevent identity theft, spot those who pose a security risk, and stop criminals from entering Canada while facilitating entry into Canada for most travelers. We can quickly and accurately confirm your identity when you travel. This makes your entry into Canada easier. Giving your biometrics is simple and safe. If you apply for a visa or a study or work permit, you can give your biometrics at the same time as you submit your application in person at a visa application center. Temporary residents only need to enroll their biometrics once every 10 years. If you apply online or by mail, you can give your biometrics after you submit your application. You will get a letter asking you to give your biometrics. This is known as a biometric instruction letter. It takes just a few minutes to scan your fingerprints and take your photo at a biometrics collection point near you. Once you have done this, we will assess your application. Once your application is approved, you can enjoy many years of easy travel to Canada. इस वीडियो में ये बताया गया है कि आपने काफ़ी कनाडा इमिग्रेशंस को अटेंड करता है, काफ़ी इमिग्रेशंस वहाँ आते हैं, तो आपको वहाँ कनाडा की गवर्नमेंट ने बायोमेट्रिक स्टार्ट करा है। बहुत इजी है फिंगरप्रिंट्स देने, अपनी फ़ोटो देने कि आप कह रहे हो कि आप ही हो। तो इसमें है कि ये कनाडा के लॉ कनाडा को प्रोटेक्ट हो, और इवन सॉरी कनाडा में प्रोटेक्ट हो और कनाडा के लोग। अब हम करते हैं बायोमेट्रिक्स फीस, सॉरी फॉर दैट, एंड बायोमेट्रिक फीस एंड दिस बायोमेट्रिक्स फीस देख रहे हैं। Biometric search of candidate. वर्क वीजा के नाम पर ही डालते हैं, कुछ आ जाए। कुछ आ जाए इसमें जो वर्क वीजा के नाम पर हो। Search ये आ रहा है इसमें। अपने अपना फिंगरप्रिंट फोटोज कहाँ ले रहे हैं आप, यहाँ डाले वन हैपन फोटोज ये आ जाता है। स्टेप बायोमेट्रिक्स फीस। अब ये इंडिविजुअल के लिए, अगर इंडिविजुअल जा रहा है इंडिया से तो मैक्सिमम उसके 4500 फीस है, अगर वो विद फैमिली जा रहा है तो वो उसकी ये फीस है। ये ध्यान से आप देख लियो, ये आपको हेल्पफुल देगी। तो हम एक क्लोज करते हैं इसको। ये है और
there is a no fees to give in biometric for transition visa. Transition visa के लिए नहीं है. आपको एक letter दिया जाएगा, biometric fees confirmation letter. आपने कहाँ ये letter bring कर, उसमें आपको points दिए जाएंगे कि आपने क्या क्या apply करना है. Find out the collection point to close. Go service point and this is appointment. आप ले सकते हैं. ये देखो जो मैंने आपको पहले दिया था वही हम आ जाते. और अगर आप कनाडा में अप्लाई करते हो क्या होगा, आप कनाडा पहुंचते हो, ये कौन से में प्राइमेंट कनाडा एंट्री एंट्री रिक्वायरमेंट परमानेंट एंड दिस इज, ये सारी चीज़ें हैं आप कनाडा में पहुंचते. अब हम ये आप खुद भी सर्च कर सकते हो सिंपल सा, दिस इज वे एंड मैं आपको वहाँ लेके आई. इंग्लिश में हर लैंग्वेज में इन्होंने दिया हुआ है. आप इसे खुद एक एक सर्च कर सकते हो उसको. नहीं वहीं आ जाते हैं हम दोबारा. अब सॉरी, अब ये था बायोमेट्रिक्स की फीस और क्या क्या इसका फोटोज सॉरी कि कैसे हम एंट्रिंग करें, जो आपको फैक्ट आपको हेल्प देगा. सॉरी, आप खुद कनाडा की वेबसाइट में जाके चेक कर सकते हैं. तो थोड़ी सी मुझसे गलतियां हुई हैं उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी. थैंक यू सो मच. आप मेरे वीडियोस लाइक करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब. अगर आपको ये अच्छा लगा हो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो. थैंक यू सो मच.